सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ओबीसी आरक्षण को रद्द किया गया, जिसके कारण नागपुर जिला परिषद के 16 और पंचायत समिति के 31 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए 19 जुलाई को मतदान होना है। इससे यह साबित हो रहा है कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, बीजेपी और शिवसेना ओबीसी कर्ज को राजकीय प्रतिनिधित्व करने से वंचित रखना चाहती है, ऐसा आप द्वारा पत्र परिषद के दौरान कहा गया है। देश में सामाजिक आर्थिक जाति गणना 2011 में की गई थी। 2014 तक केंद्र के कांग्रेस के यूपीए सरकार द्वारा ओबीसी आबादी जाहिर नहीं की, ये जानबूझकर क्या क्या है, ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित पत्र परिषद के दौरान कहा गया। आज जो उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, उसके हिसाब से ये समझ में आता है कि ओबीसी की जो संख्या है महाराष्ट्र राज्य में, उसका जो एम्पिरिकल डाटा है, 2011 के सेंसस में जो डाटा जो जमा हुआ था, जो कलेक्ट हुआ था, वो डाटा न मिलने की वजह से केंद्र सरकार वो डाटा राज्य सरकार के साथ शेयर नहीं करना चाहती, उसकी वजह से ये परिस्थिति निर्माण हुई है और उसकी वजह से ओबीसी आरक्षण के ऊपर ये धोखा हुआ है। तो 2011 में सेंसस हुआ, 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, राज्य में भी कांग्रेस की सरकार थी, वो चाहते तो 2014 तक पूरा एम्पिरिकल डाटा, पूरा एनालिसिस करके उसको जाहिर कर सकते थे। 2014 से लेके आज तक जो है केंद्र में बीजेपी की सरकार है, 2019 तक 5 साल तक राज्य में बीजेपी की सरकार थी, उस समय भी उन्होंने ये नहीं किया। और जब आखिरी में ये समझ में आ गया कि बीजेपी की निष्क्रियता की वजह से और उनकी ओबीसी विरोधी नीति की वजह से ये रिजर्वेशन ख़त्म हो रहा है, तब उन्होंने आज आंदोलन करने शुरू किए, चक्का जाम की बातें की। लेकिन अगर आप वास्तविकता देखेंगे तो केंद्र का ये कहना है कि हम डाटा इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि अभी तक हमने डाटा का एनालिसिस नहीं किया। तो ये कैसे हो सकता है कि 2011 का सेंसस का डाटा 2021 तक उसका एनालिसिस ना हो, जिससे आज ओबीसी आरक्षण रद्द क्या क्या है, ये ओबीसी वर्ग के साथ क्या क्या धोखा है। साथ ही आप द्वारा 19 जुलाई 2021 को होने वाली जिला परिषद और पंचायत समिति के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार उतार कर चुनाव लड़ेगी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।